मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा, इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1000 से लेके 2 लाख रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए और जो एप्लीकेशन है एकदम RBI से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। आज मैं आपको इस एप्लीकेशन का जो लोन है तो लाइव प्रूफ भी आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा और जो एप्लीकेशन है एकदम RBI से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। अब चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। पहले तो आप यहाँ पे लोन का प्रूफ देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा लोन अप्रूवल हुआ है तो 1215 रुपए का मेरे यहाँ पे लोन का था वो यहाँ पे अप्रूवल हो चुका है। अब जो मेरा जो लोन था 1215 रुपए का तो मेरे बैंक खाते में आए हैं 1029 रुपए, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1215 रुपए का मेरा लोन अप्रूवल हुआ था और 1029 रुपए मेरे बैंक खाते में मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। देखो यहाँ पे जो आपको लोन मिलेगा ना स्टार्टिंग पे थोड़ा कम अमाउंट का यहाँ पे लोन मिलेगा, अगर आपका सिबिल यहाँ पे डाउन है, सिबिल आपका पूरा खराब हो चुका है तो भी आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। एप्लीकेशन काफी कमाल की है, RBI से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको लाइव प्रूफ पहले से यहाँ पे दिखा दिया, आपको 100% इस एप्लीकेशन पे लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। और लोन कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको EMI का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जो मुझे 1029 रुपए मेरे बैंक खाते में आए हैं मुझे पूरे 3 मंथ का EMI का ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। तो कैसे आपको लोन अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको करना है प्ले स्टोर पे आ जाना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से प्ले स्टोर पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को भी ब्लर कर दिया क्योंकि भाई काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करते हैं एप्लीकेशन का नाम देखते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जिनको लोन अप्लाई करने का प्रोसीजर नहीं मालूम होता इंस्टेंट उनका लोन वहाँ पे डिक्लेन भी यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन, यहाँ पे मैं आगे चल के आपको बता दूंगा एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। सबसे पहले आपको इसको यहाँ पे ओपन कर देना है। तो मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है 1029 रुपए की, मुझे यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पे यहाँ पे बता दिया था आपको इस एप्लीकेशन से लोन तो मिल जाएगा पर आपको जो टाइम है ना थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, पर लोन का अमाउंट है थोड़ा आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, आपको पूरे 3 मंथ का यहाँ पे EMI का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो लोन अप्लाई करने के लिए आपको करना है सी डिटेल वाले उनमें आपको टच कर देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं 1029 रुपए का मेरे यहाँ पे लोन है, कितने मेरे बैंक खाते में आएंगे सारा मैंने आपको स्टार्टिंग पे यहाँ पे बता दिया। 1029 रुपए का यहाँ पे लोन है, 445 रुपए आपकी EMI यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 EMI का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 EMI का 3 EMI का ऑप्शन आपको मिलेगा और 445 रुपए आपकी 3 EMI यहाँ पे बन जाएगी। तो भाई काफी कमाल की एप्लीकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको अगर 500 रुपए का भी लोन मिलेगा ना तो वो भी आपको 2 मंथ के लिए मिलेगा, अगर आपको यहाँ पे 5000 रुपए का लोन मिलेगा वो आपको 6 मंथ के लिए पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। तो लोन लेने के लिए आपको करना क्या, आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन मिल रहा है, आपको कंटिन्यू वाले हमें आपको टच कर देना है। तो इसको बैंक खाते में लेने के लिए आपको करना है क्या, आपको सबसे पहले ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एंटर योर बैंक अकाउंट नंबर, आपको सबसे पहले अपना फैसी कोड यहाँ पे डायरेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नेम यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आपको बैंक का FSC कोड यहाँ पे डाल देना है। देखो जिस बैंक खाते में आपको बैलेंस चाहिए वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे डाल के अभी आपको बैंक खाते में लेके भी यहाँ पे दिखाऊंगा लेना कैसे है और एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो सबसे पहले मैं जल्दी से अपना बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे एंटर कर दिया, आपको भी अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है। ऊपर आपको नाम डालना है, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, नीचे आपको FSC कोड यहाँ पे डाल देना है। तो तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे फिल कर देना है, तीनों ऑप्शन फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, आपको रिसीव मनी। तो यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसे चाहिए ना तो यहाँ पे रिसीव मनी का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको रिसीव मनी वाले और आपको टच कर देना। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिख के आ चुका है जो लोन था ना हमने यहाँ पे अप्लाई किया था तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कंपनी ने यहाँ पे कर दिया है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, 1 से 2 मिनट का है, 5 मिनट का आपको वेट करना पड़ेगा और 5 मिनट के अंदर ही जो लोन है ना सीधा आपके बैंक खाते में आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अभी हम आपके सामने थोड़ा सा वेट करते हैं कि देखते हैं कि एप्लीकेशन का जो लोन है कितने मिनट के अंदर हमारे बैंक खाते में हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक की तरफ से मुझे यहाँ पे मैसेज आ चुका है, जो बैंक की तरफ से मुझे मैसेज आया तो यहाँ पे देख सकते हैं 1029 रुपये मेरे बैंक खाते में मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितनी रिपेमेंट यहाँ पे करनी है, आपकी EMI का ऑप्शन यहाँ पे कितना यहाँ पे बना है। तो सबसे पहले आपको इसके होम पेज पे आ जाना है। तो जैसे आप इसके यहाँ पे होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1029 रुपए आपके बैंक खाते में आए हैं और 1335 रुपए की आपको रिपेमेंट यहाँ पे करनी है। अब अपने हिसाब से ब्याज देख सकते हैं आपके ऊपर ब्याज कितना लगा है, 200 से लेकर 250 रुपए आपके ऊपर यहाँ पे ब्याज लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 445 रुपए आपकी EMI यहाँ पे बन जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था 3 EMI का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफी कमाल की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा,
अगर आप इसकी रिपेमेंट पूरी कर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रिपे आल, अगर आप इसके सारे रिपेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो लिमिट है ना वो यहाँ पे बाउंस हो जाएगी। बाउंस होने का मतलब है कि अगर आपकी लिमिट 1000 रुपये है तो सीधा बढ़ के 2 से लेकर 3000 रुपये यहाँ पे हो जाएगी। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अप्लीकेशन की रेटिंग को चेक कर सकते हैं, 4.4 की इसकी रेटिंग है और इसके डाउनलोड यहाँ पे देख सकते हैं 5 करोड़ प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है। तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड यहाँ पे कर रखा है, तो काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपको इसके अबाउट सेक्शन पे आ जाना है। अबाउट पे आने के बाद आपको सबसे पहले नीचे आ जाना है तो आप देख सकते हैं 10,000 रुपये से लेकर पूरे 2 लाख रुपये का आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब जो एप्लीकेशन है एक RBI अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, वो भी इसकी डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या RBI लाइसेंस, NBFC ट्रू क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विस, काफ़ी सारे इसके यहाँ पे लेंडर पार्टनर है जो इसको यहाँ पे लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आपको ऊपर की तरह आ जाना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिनिमम KYC करनी है। जैसे आप यहाँ पे KYC करेंगे आपसे आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो मांगा जाएगा, उसके बाद सीधा जो लोन है आपके बैंक खाते में आपका रिसीव हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी क्वारी है तो यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ईमेल सपोर्ट से आप इनसे बात भी यहाँ पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे कब आई थी, 2014 में आई थी, काफ़ी पुरानी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एप्लीकेशन को लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।